ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शुभारंभ होने जा रहा है। वर्चुअली शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। इधर जबलपुर को भी सौगात मिलने जा रही है। एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन आज होगा। 450 करोड़ की लागत से इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। आज सुबह 11 बजे वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये दो बड़ी सौगात आज मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। ग्वालियर में एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, तो जबलपुर में टर्मिनल बिल्डिंग का आज उद्घाटन होगा। और वर्चुअली जुड़कर प्रधान, तो बड़ी सौगात आज मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। आज ग्वालियर को नए एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी और वहीं जबलपुर को आज टर्मिनल बिल्डिंग, नए टर्मिनल बिल्डिंग की सौगात मिलेगी। तो जबलपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे और ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां मौजूद रहेंगे। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े, जबलपुर से अभिषेक शर्मा और ग्वालियर से नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे नासिर का। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे एक एयरपोर्ट की दरकार थी, आज एक बड़ी सौगात यहाँ ग्वालियर को मिलने जा रही है। और खास बात यह भी है कि यहाँ पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। किस तरीके का पूरा कार्यक्रम का स्वरूप होगा? देखिए राहुल, अब तक का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ग्वालियर में बन गया है और उसका आज पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़कर उद्घाटन करेंगे, जिसमें उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीएम मोहन यादव यहाँ ये लोग मौजूद रहेंगे। उसके साथ ही खास बात यह है कि जो ये नया एयरपोर्ट है, ऐतिहासिक संस्कृति और विरासत से जुड़ा होगा, इसके अंदर पूरी झलक दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत बड़ी सौगात एक मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है नए एयरपोर्ट के रूप में। और आज जैसा पीएम नरेंद्र मोदी के अगर कार्यक्रम देखे जाए एयरपोर्ट्स के जोड़कर, तो 9811 करोड़ रुपए की जो शिलान्यास और परियोजना है एयरपोर्ट से जुड़ी हुई, उनको आज वो उद्घाटन करेंगे। उसमें ग्वालियर और जबलपुर शामिल है, इसके साथ ही देश के अन्य शहर हैं वो भी शामिल है। तो जो ये जो कार्यक्रम है 11 बजे शुरू हो जाएगा और उसके बाद दोपहर में भी 11 बजे, दोपहर 3 बजे जिला न्यायालय का भी उद्घाटन किया जाएगा। उसकी भी बिल्डिंग 115 करोड़ रुपए से निर्मित है, उसका भी शिलान्यास है वो सीएम मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे और जस्टिस मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए सबसे बड़ी एक सौगात जो है ग्वालियर एयरपोर्ट की है। ग्वालियर एयरपोर्ट वास्तव में देखने लायक है, क्योंकि जो पुराना टर्मिनल था उसमें ज़्यादा फ्लाइट नहीं आती थी, लेकिन उड्डयन मंत्री ने एक रिकॉर्ड 15 महीने, विश्व देखा जाए तो देश का पहला एयरपोर्ट होगा जो 15 महीने में बनकर तैयार है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, यानी कि 20,000 वर्ग फीट में, 18,000 वर्ग फीट में इंदौर का एयरपोर्ट है, लेकिन ग्वालियर का एयरपोर्ट है वो 20,000 वर्ग फीट में। इसको आगे 50 साल की सोच के साथ ही आगे बनाया गया और उसमें ऐतिहासिक संस्कृति और विरासत की धरोहर है। घुसते ही एंट्रेंस में ये सारी चीजें दिखाई देंगी, तो एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट, बहुत सुंदर एयरपोर्ट ग्वालियर में बन गया है। चलिए, तो ग्वालियर में जहां नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है, वहीं जबलपुर में आज नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी यहां लोकार्पण आज प्रधानमंत्री वर्चुअली करेंगे। अभिषेक, पूरा कार्यक्रम बताएं, ये कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि वर्चुअली तो प्रधानमंत्री मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। देखिए राहुल, अगर हम बात करें जबलपुर डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण, समय से ये मांग चल रही थी कि जबलपुर डुमना एयरपोर्ट विस्तारीकरण हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत फ्लायर्स को ये आ रही थी कि नहीं थी। इसके साथ ही अगर दो एयरपोर्ट पर उतर जाते तो विमान को उतरने की जगह नहीं थी। ऐसे में इस मांग को लेकर 3 साल यहाँ पर विस्तारीकरण का भूमि पूजन 50 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए हैं और अब जो है नई टर्मिनल बिल्डिंग दी गई है। साथ ही जो विस्तार में जो रनवे की लंबाई है वह मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रनवे के रूप में हो गई,
2750 मीटर रनवे की लंबाई कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 300 कारों की पार्किंग यहां पर बनाई गई है, साथ ही नाइट लैंडिंग की सुविधा हो गई है। A321-320 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट अब यहां पर उतर सकेंगे। और अगर हम आज के कार्यक्रम की बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल इस पर जुड़ेंगे, वह इसका लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वर्चुअल नागर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री वीके सिंह जो है वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के जो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल वह कार्यक्रम में बतौर अतिथि मौजूद रहेंगे डुमना एयरपोर्ट पर। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जो पूर्व में जबलपुर के सांसद रहे हैं, उन्होंने डुमना एयरपोर्ट के विस्तार के लिए लंबी जद्दोजहद की है, लंबी लड़ाई भी लड़ी थी, तो वो यहाँ पर रहेंगे। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा रहेंगे। तो ये तमाम जनप्रतिनिधि आज लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, क्योंकि जबलपुर के लिए आज बड़ी सौगात का दिन है, क्योंकि टर्मिनल बिल्डिंग जो है भव्य रूप में बनाई गई है, इसका विस्तारीकरण किया गया है। और अब जब विस्तारीकरण हो गया है तो यहाँ पर फ्लाइट की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी, और कहा जा रहा है कि अब जब नाइट लैंडिंग की सुविधा होगी तो जो बड़ी तमाम औद्योगिक घराने हैं वह यहां पर अपने निवेश को भी करेंगे, इससे जबलपुर का विस्तार भी होगा और विकास भी होगा। तो कुल मिलाकर बड़ी हवाई सेवाओं की सौगात आज प्रदेश को मिलने जा रही है, खासतौर पर ग्वालियर और जबलपुर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जाहिर सी बात है बड़ी सुविधा का विस्तार यहाँ पर हवाई यात्रियों के लिए होगी। आप नजर बनाए रखिएगा, 11 बजे जब ये उद्घाटन समारोह होगा तब आपसे फिर जुड़ेंगे। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दोनों का।